नागौर जिले से भी हम इनके हाथ मजबूत करें। संगठन नागौर जिले में जैसा सर ने बताया बीते 5 वर्षों में बहुत मजबूत हुआ है, लेकिन इतनी मजबूती भी काफी नहीं है। हर एक पत्रकार, विशेष तौर से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पत्रकारिता का शौक रखने वाले नए नए नौजवान भी साथ में आ रहे हैं, उन्हें भी जोड़े और वरिष्ठ पत्रकारों का सहयोग और आशीर्वाद ले। तो आइए मिलकर बहुत गजब की एक बढ़िया टीम बनाते हैं और जो जिन हकों की हम बात कर रहे हैं, जो हक हम चाहते हैं, पत्रकार सुरक्षा कानून की विशेष आज इस सम्मेलन में बात हो रही है, तो उसे भी मजबूत हम ही कर सकते हैं। हम सबका ये दायित्व है कि हम संगठित रहें, एक रहें और हम में आपस में भी बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन हो। तो किसी जैसे हम नागौर विशेष शहर की बात करें तो यहाँ पर विभिन्न जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हम खूब सारे प्रतिनिधि हैं जो खुद एक बड़ी टीम है। अगर हम संगठित रहेंगे तो हमारे हकों को कोई मार नहीं पाएगा, इसलिए संगठित रहना जरूरी है। और गर्व कीजिए इस बात पर, आप भारत के सबसे पुराने संगठन से जुड़े हैं। 1950 आजादी के मात्र 3 साल बाद यह संगठन हमारे हकों के लिए खड़ा किया गया और लगातार अपने प्रयासों से हमारे हक की ही बात करता है। संगठन में शक्ति है, हमने बचपन में पढ़ा है और अब तो हम वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जाने जाते हैं, तो जीवन में कई बार अनुभव भी किया है। के क्षेत्र में भी इस नागौर का गौरव पूरे भारत में बढ़ाया। खड़े होकर मैं चाहूंगा आप हम इनका सम्मान करेंगे और इनके उद्बोधन को सुनेंगे। तो मैं नागौर में मेरी बात करने पर, मैं जैनिक नवज्योति में ब्यूरो चीफ हूं। बी के बाद में मैं बीकानेर में बरसों से काम करियो और आपको कुछ करना शुरू करूँ। बांदिना में रोड नहीं जाना, तो एक रोड चले और हड़ताल चले, तो मैं वसुंधरा जी कहो कि रोड नहीं जाना, इतना हड़ताल करिए छे कितना हो 100-200 आ जाओ जो मार्केट पड़े पड़े। सवाल है कि अपन संगठित होना पड़ी, संगठित हो और मांगा स्वीकार करानी पड़ी। और पत्रकार अगर कोई कहे कि मैं फलानी पार्टी को सदस्य हूँ, 54 मेंबर भी हूँ, वो पत्रकार नहीं है। वो पत्रकारिता के साथ न्याय नहीं कर सके। मैं न तो कांग्रेस का हूँ, न बीजेपी हूँ, न कम्युनिस्ट हूँ, मैं पत्रकार हूँ तो पत्रकार ही हूँ। विशेष धन्यवाद देवा थे अपनी मैड भाषा रमाय ने मान सब ने उद्बोधन दियो और मां के हक कर अधिकार री बात बताई, थांको जीवन को जो सारांश हो वो भी मां के सामने रखी। अब खुद अनुभव कर, खुद भी चीज ने जीव ठोकर खावा दू छो की बात है कि माने कोई अनुभवी आदमी पहली बता दे कि जागिया था ठोकर मिली तो भी को लाभ गणो हुए, आप अपनी दिशा बदल सका, वो ही काम आस्ते करियो हो जीवन भर थांको जो संघर्ष रियो वो थे मां के सामने रखियो। एक लाइन था कि मैंने बहुत छोकी लागी, बहुत पसंद आई कि मैं कोई पार्टी को, ई पार्टी को कोनी, बी पार्टी को कोनी, मैं पत्रकार हूँ, मैं पत्रकार हूँ। ई विषय माते मैं भी मारी 2 लाइन तान सुनाऊं। कलम ही ताकत है, जान पर अनेकों आफत है। कलम ही ताकत है, जान पर अनेकों आफत है, फिर भी मैंने डरता हूँ, सर्वदा सच्चाई ही लिखता हूँ। हाँ मैं पत्रकार हूँ, मैं एक चलता फिरता समाचार हूँ। आवाजहीन की आवाज हूँ, लोकतंत्र की साध हूँ, जनता की आलोचनाओं का हर बार बनता शिकार हूँ। हाँ मैं पत्रकार हूँ, मैं चलता फिरता अखबार हूँ। कलम के बूते में लिखता हूँ, कलम के बूते ही मैं जीता हूँ, धमकियों को रख किनारे बेबाक पत्रकारिता में करता हूँ। हाँ मैं पत्रकार हूँ, मैं चलता फिरता अखबार हूँ। रोज नए खबर लाने के लिए मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, कई बार गिरता कई बार संभलता हूँ, कई बार तो मैं भीड़ के गुस्से का शिकार भी बनता हूँ। इन सब को दरकिनार कर हर रोज ढांढस बांध में निकलता हूँ। हाँ मैं पत्रकार हूँ, मैं एक चलता फिरता समाचार हूँ। बहुत We'll be right back.
कार्यक्रम अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। ये जो पहला सेशन है इसकी समाप्ति के बाद एक घंटे का अंतराल रहेगा। एक घंटे के बाद दूसरे सेशन में हम आपसे खुले मंच में चर्चा करेंगे और